मेरे दोस्त, कैसे आप इंस्टाग्राम अकाउंट को डिलीट कर सकते हो? जी हाँ, अगर आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को डिलीट करना चाहते हो तो ध्यान से देखिए, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे, डिलीट नहीं कर पाओगे। यहां पर आइए, सबसे पहले आपको ऊपर जाइए, एक चीज देखने को मिलेगा, थ्री डॉट यहां पर, ठीक है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सबसे नीचे आइए, यहां पर ऑप्शन दिखेगा हेल्प का, ठीक, इस पर आपको क्लिक करना है। अब ध्यान से देखिएगा कितना ज्यादा कंफ्यूज है, क्योंकि इंस्टाग्राम नहीं चाहता कि कोई भी उसका यूजर, कोई भी उसका ये जो एक्टिव यूजर है वो अपने आईडी को डिलीट करें, ठीक है, इसलिए बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर देता है डिलीट करने के लिए। यहाँ पर ऑप्शन दिखेगा आपको हेल्प सेंटर का, अब आप हेल्प सेंटर पर जाइए। हेल्प सेंटर पर जाने के बाद देखिए करना क्या है नेक्स्ट, अगर ध्यान से नहीं देखोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, नहीं कर पाओगे। यहाँ पर भी आप देखेंगे कहीं भी डिलीट करने का ऑप्शन नहीं दिख रहा है, लेकिन ऊपर आपको थ्री डॉट देखने को मिलेगा। फिर से जाइए आप अब मैनेज योर अकाउंट पे, ठीक है, यहाँ पर देखिए दूसरे नंबर पे मैनेज योर अकाउंट पे जाइए। उसके बाद फिर जाइए एडजस्ट योर अकाउंट, ठीक है, एडजस्ट योर अकाउंट पे जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। एक चीज़ फ़ायदा यह है कि अगर आप मान लो इंस्टाग्राम अकाउंट को डिलीट करने से पहले अपने फोटो को, अपनी वीडियो को, जो भी आपका पोस्ट है उसको गैलरी में सेव करना चाहते हो तो आप यहाँ से भी कर सकते हो, जाकि आप देख सकते हो, ठीक है। लेकिन अपने को क्या करना है इस वीडियो में बताना है कि डिलीट कैसे करना है। तो डिलीट यहाँ पर भी देखिए ऑप्शन नहीं दिख रहा, कहीं भी डिलीट करने का ऑप्शन नहीं दिख रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन वाला चीज़ है ये। तो आपको ऊपर दिखेगा सर्च बार, सर्च बार पर जाइए, सर्च बार पर एक चीज़ ऑप्शन लिखिए यहाँ पर डिलीट अकाउंट, उसके बाद आप सर्च करिए, आपको दो तीन ऑप्शन यहाँ पर दिखेगा। पहला तो अगर आप थ्रेड्स को डिलीट करना चाहते हो थ्रेड्स को डिलीट कर सकते हो, ठीक है, और चैट को डिलीट करना चाहते हो चैट को डिलीट कर सकते हो, पोस्ट को डिलीट करना चाहते हो पोस्ट डिलीट कर सकते हो, लेकिन लेकिन अपने को क्या करना है डिलीट योर इंस्टाग्राम अकाउंट, आप ये ऊपर वाला, ठीक है, इसको आप क्लिक करिए। अब जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेंगी, ठीक है, यहाँ पर देखिए बहुत सारी ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। टेम्परेरी डिलीट कर सकते हो, लेकिन अपने को क्या चाहिए परमानेंट डिलीट चाहिए, तो परमानेंट डिलीट करने के लिए आपको यहाँ पर दिखेगा अकाउंट सेंटर, ठीक है, ये परमानेंटली डिलीट योर अकाउंट फ्रॉम अकाउंट सेंटर। तो अकाउंट सेंटर पे आप यहाँ पर जाइए, अकाउंट सेंटर का आपको यहाँ पर लिंक मिल जाएगा, यहाँ पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। अब देखो करना क्या है, अब यहाँ पर से समझो, ध्यान से समझो, अब नीचे अब देखोगे डिलीट का ऑप्शन दिख रहा है ना यहाँ पर, टेम्परेरी डीएक्टिवेट और परमानेंटली डिलीट योर अकाउंट, क्योंकि डिलीट दो प्रकार के होते हैं, एक टेम्परेरी डिलीट होता है एक परमानेंटली डिलीट होता है, ठीक है। अगर आप डीएक्टिवेट कर दोगे तो आप उसे एक्टिवेट बाद में कर सकते हो, लेकिन जब आप डिलीट कर दोगे तब आप वो वापस नहीं आएगा, आप वापस नहीं कर सकते। यहाँ पर जाइए दूसरे नंबर पर, अब यहाँ पर से पूछेगा आप फेसबुक को डिलीट करना चाहते हो फेसबुक पेज को, फेसबुक आईडी को, या फिर अपने इंस्टाग्राम आईडी को, जो इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। तो आपको यहाँ पर इंस्टाग्राम डिलीट करना है तो इंस्टाग्राम को चूज करिए। फिर दूसरे नंबर पर पूछेगा कि यहाँ पर डीएक्टिवेट करना चाहते हो या फिर आप डिलीट करना चाहते हो, ठीक है, तो यहाँ पर आइए डिलीट पे, अब कंटिन्यू कर दीजिए। अब लास्ट चीज़ देखिए क्या मांगेगा आपसे, पासवर्ड कन्फर्म करने के लिए कि आप ही ओनर हो, कोई दूसरा हो आए आपका आईडी डिलीट करके चल जाए। तो यहाँ पर आप अपने पासवर्ड डालिए, और उसके बाद पासवर्ड डालने के बाद आपको नीचे दिखेगा कंटिन्यू का ऑप्शन, कंटिन्यू कर देंगे तो आपका जो ये पेज है वो डिलीट हो जाएगा, परमानेंटली डिलीट हो जाएगा, फिर कहीं नहीं दिखेगा और कभी नहीं दिखेगा। तो इस तरीके से आप इंस्टाग्राम अकाउंट को डिलीट कर सकते हो। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आ गई होगी, बाकी चैनल पर नया सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।